फैक्टोरियल ये होता है आपके पास। उसके बाद हमारे पास है पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम की रिकर्सिव डेफिनेशन ये है, ए और बी आर पैलिंड्रोम, क्योंकि हमें लैंग्वेज में बता दिया गया एक्स इन पैलिंड्रोम, देन एस एक्स रिवर्स एंड डबल एक्स विल आल्सो पैलिंड्रोम, कि ऐसे कि वहाँ पर लैंग्वेज है उसका एक्स कोई पैलिंड्रोम वैल्यू है, उनको रिवर्स करें तो हमारे पास वो जाना चाहिए और बिलोंग टू एस क्लोजर। तो ये है आपके पास ए एन बी एन की लैंग्वेज के लिए। अच्छा, ये है डेफिनेशन लैंग्वेज एल स्ट्रिंग ऑफ एंडिंग ए, कि ए से एंड कर रहे हैं, डिफाइनिंग ओवर ए बी। ए इज इन एल, एल एक लैंग्वेज है, और स्टेप टू एक्स इज इन एल, एक्स एक इंटीजर है जो एल में है, देन एस एक्स इन आल्सो एल। तो सिंपल इसी तरह लिखना है, और ये क्लोजर है। तो आपने देखा सब मिलते जुलते हैं, तो इसकी रिकर्सिव डेफिनेशन कुछ इस तरह है, स्टेप वाइज है। इसी तरह लैंग्वेज एल स्ट्रिंग बिगनिंग एंड एंडिंग विद सेम लेटर, कि ए से स्टार्ट करेंगे तो बी पे एंड करेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे तो बी पे एंड करेंगे। तो ये उसका है आपके पास। द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग कंटेन एग्जैक्टली डबल ए, डिफाइन ओवर डबल ए इज एन एल, ये आपके लैंग्वेज में होना चाहिए। इसका बता रहा है कि यहाँ भी कुछ लैंग्वेज है यहाँ, लेकिन स्ट्रिंग कंटेनिंग उसमें होना चाहिए डबल ए। वेल, तो सिंपल है कि आपने अल्फाज के पर उसी एक जो प्रोसीजर है उसको जेन में रखना है, बाकी सिंपल ऐसे ही है कि एग्जैक्टली डबल ए और बी डिफाइनिंग और बी। ये आपने देखा है बाकी एग्जाम्पल से कि सेम ही है, आपके रूल हैं आपको पता है। उसके बाद आता है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज के बाद हमारे पास आती है रेगुलर एक्सप्रेशन, कि जो डिफाइन कर रही होती है आपकी लैंग्वेज को। तो ये चीज़ें सब आपस में रिलेट कर रही होती हैं, ठीक है। इससे पहले हमने क्लीन सर्कुलेजर का बता रहा है जी, हमने देख लिया ए स्टार जनरेट करता है दिस, ए प्लस जनरेट करता है विदाउट लैम्डा, इसे आप एल वन करें, इसे एल टू करें, कैन सिंपली एक्सप्रेस ए स्टार और ए प्लस रिस्पेक्टली। जैसे कि आपने क्या एल वन, और रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी एल टू, या उसकी होगी ए ए स्टार ए अर्जनेट एल टू। अच्छा जी, स्टेप वन है रिकर्सिव डेफिनेशन है आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन की। एवरी लेटर ऑफ समेशन सिग्मा इंक्लूड लैम्डा इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक हो गया। इफ आर वन है आर टू रेगुलर एक्सप्रेशन, देन आर वन ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, आर वन एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो समेशन से डिस्क्राइब कर रहा है। आर वन आर टू यानी कि ए और बी, आर वन आर टू और क्लोजर, नथिंग एल्स इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। और इसका तीसरा मेथड है रेगुलर एक्सप्रेशन का, क्या है जी, ये एक लैंग्वेज एल है, इसमें से इसके अल्फाबेट क्या हैं एक्स। वी कैन राइट इस कि हम समेशन और एल, या इसको हम कहेंगे जी एक्स स्टार, सिंपल दिस। दिस लैंग्वेज कैन एक्सप्रेस बाय द रेगुलर एक्सप्रेशन एक्स स्टैरिक। सिमिलरली द लैंग्वेज एल एक्स वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम सो ऑन। तो यह है, ये आपके पास एस प्लस, तो प्लस और स्टार को लेकर आपको पता है। नाउ कंसीडर अनदर लैंग्वेज एल कंसिस्टिंग ऑफ पॉसिबल स्ट्रिंग डिफाइन ओवर ए एंड बी। अच्छा, दिस लैंग्वेज एक्सप्रेशन, अब मैं आपको ये समझाता हूँ।
ये बता रहा है कि जी ए और बी आपके पास हैं, आप यहाँ, मैं यहाँ नल को जीरो लिखता हूँ, आप जीरो ले सकते हैं सिंपल, ठीक है। अगर आपके पास ये सिचुएशन है ए प्लस बी और होल का स्टेरिक, ये एक आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन बना रहे हैं किसका, अब ये ले सकते हैं या ए ले सकते हैं या बी ले सकते हैं, या आपको पता है ए बी ले सकते हैं या ए ए बी बी, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज जनरेट कर सकती है ये लैंग्वेज, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया इसके इसके साथ। ये नल है, नल क्यों आया, लैम्डा क्यों आया, स्टेरिक की वजह से। तो इस सब की जगह, अच्छा जी ये आपके पास ऐसे भी हो सकता है, इस सब को डिफाइन किया है आपने इस वर्ड में, इसको कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। नाउ कंसीडर अनदर लैंग्वेज एल, द स्ट्रिंग हैविंग एग्जैक्टली डबल ए डिफाइन ओवर ए बी, देन इट्स रेगुलर एक्सप्रेशन बी। अच्छा जी ये कह रहा है कि रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं जो जिसमें एग्जैक्टली डबल ए हो, तो डबल ए ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन है। और ये भी, तो इसकी रेगुलर, अगर इसकी हम लैंग्वेज बनाते, रेगुलर लैंग्वेज बनाते हैं जिसमें डबल ए आएंगे, ये होगा, ठीक है, ये होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्लियर। यानी कि एग्जैक्टली डबल ए आने चाहिए, वो कह रहा है हैविंग एग्जैक्टली डबल ए, उसके अंदर डबल ए रेगुलर एक्सप्रेशन लाजम आना चाहिए। तो बी भी बार बार आ सकता है, ए भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, तो ये उस सब की जगह आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये रेगुलर लैंग्वेज है। उसके बाद अब ये लैंग्वेज, कंसीडर लैंग्वेज एल इवन लेंथ, के जी वो इवन लेंथ की होगी, यानी कि उसमें 2, 4, 6 होंगे। अच्छा जी ए और बी ये उसके लैंग्वेज कहते हैं, देन इट्स रेगुलर एक्सप्रेशन जी, ये होगा, इसको हम बनाते हैं कैसे जी। आपको पता है ए प्लस ए बी, और दोबारा है ए प्लस बी। अब ये जीरो टाइम होगा, तो जीरो के बाद वो वन वन टाइम आएगा, यानी कि आपने ये एक दफा वन टाइम लिखना है ए बी, ए बी यानी कि ए बी आएगा, ए के यहां से, ए के यहां से, यानी कि इसका ए ले लिया, इसका बी ले लिया। तो ये बता रहा है इसकी जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगी वो होगी, आप ए ले लें या बी ले लें, इस लिहाज से आप ए बी नहीं कर सकते, ए लेंगे या बी लेंगे। ए बी करना है तो आपको इसके टू टाइम करने होंगे, यानी कि एक दफा ये, फिर टू टाइम्स के लिए ए बी दो दफा लेना होगा, यानी कि ये टू टाइम्स होगा।
ये थ्री टाइम्स जी। अब थ्री टाइम्स का कैसे आएगा, एक है इसका, एक है इसका, एक है इसका, ये है एक। यहाँ आप शुरू में लेमडा लेंगे, लेमडा को मैंने जीरो कर दिया। यहाँ आप लेंगे बी बी बी, ये थ्री टाइम्स के। इसी तरह आपको पता है अगर ये होता है टू टाइम्स तो ये होगा, या बी भी होगा, या ए भी होगा। वो कैसे, वो ऐसे, अगर ये टू टाइम्स, अब ये टू टाइम्स है, यानी कि स्टैडी का मतलब है एक से लेकर एक दो तीन चार पाँच छः सात अप टू सो ऑन इनफिनिट टाइम। तो अगर वन टाइम होता है तो ये, अगर टू टाइम होता है तो ये डबल ए डबल बी ए बी। और अब इसी तरह अगर ये बताए ये होल का क्लोजर है, यानी कि ये इतना हिस्सा, यानी कि ये ए बी और ये फिर होल का क्लोजर है, यानी कि ये सब एक है। अब इसको दो करेंगे तो ये अलग अलग आएगा। इसी वजह से ये आपकी इवन लेंथ बनेगी। तो इवन लेंथ के लिए ए प्लस बी, तो ये मतलब है इसका कि इसमें से भी लेंगे इसमें से भी लेंगे। क्लियर? नो कंसीडर लैंग्वेज ऑड, ऑड के लिए आपने पता तीन लिए। और इसका एक दूसरा मतलब है ये ऑड के लिए, ये इवन है, इवन में अगर एक लाजमी ऐड कर दें, ए ले या बी ले, समझ आ रही कि ये आपके पास इवन की हो गई। इवन में एक और ऐड कर दें तो ये, या यूं लिख लें या यूं लिख लें, ये आपके पास ऑड लेंथ हो। इट मे बी नोटेड दैट लैंग्वेज मे बी एक्सप्रेस बाय मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशन While given a regular expression, they must be unique language generated by regular expression. ठीक है, एक से ज़्यादा बन सकती हैं, उसकी एक यूनिक रेगुलर एक्सप्रेशन यूनिक ही होगी। Consider language. एक language है regular language, define over a b words के साथ at least one a. तो आपने उसके लिए क्या कर दिया, at least one a के लिए उसके। अब ये इसको मैं explain कर, अच्छा जी आपको पता है कि आप यहाँ अगर ये आपने जनरेट किया, आप ये लेमडा भी ले सकते हैं। लेमडा लेंगे तो आपने ज़ीरो ले लिया, ठीक है, लेकिन आप कुछ भी रीड नहीं करेंगे तो आप, लेकिन इसकी वजह से ए तो मस्ट रीड करेंगे, तो इसका ये हो सकता है, बी भी रीड नहीं किया, ऐसा हो सकता है। यहाँ आप ये होगा इसका बी रीड कर लें बी, और ये ए, और इसका कुछ भी रीड ना करें, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर इसका कर लें ये रीड, इसमें से कुछ रीड ना करें, ये ए और इसका बी कर लें, ऐसे हो सकता है। यहाँ आप ए ए बी ऐसे भी कर सकते हैं कि बी इसका रीड किया, ये ए और ये बी, या आप इसका ए ए ए इसका ये रीड किया, ये है ऑप्शन, ए ले लें या बी ले लें, प्लस का मतलब ऑप्शन है, ठीक हो गया। और इसमें दो चीज़ें होती हैं कि ए प्लस बी और ए बी, इसका मतलब है ए ले लें, ए रीड करें या बी रीड करें, इसका मतलब है कि दोनों ए और बी दोनों रीड कर लें। तो ये समझें ये लाजमी है, जैसे ये लाजमी है। क्लियर? लाजमी करना है,
इसी तरह अब आपने किया जी, ये टू टाइम्स है ए ए और ये वाला ए, उसके बाद बी बी, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे लैंग्वेज डिफाइन ओवर ए बी एट लीस्ट वन है के और एंड वन बी, कम से कम वन ए और वन बी है, तो उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन ये ए को सिक्योर किया एंड, यानी कि दो हो ए और बी और ये ऑप्शन ले ली, बी और ए ये ऑप्शन ले ली, ये रेगुलर लैंग्वेज है किसके लिए कि ए एटलीस्ट कम से कम ए वन ए लाजमी है वन बी लाजमी है जी। इसमें एम्बिग्यूटी हो सकती है लेकिन ये एक कंप्लीट है, आप जिस तरह भी कर लेंगे ये लाजमी आएगा, सिंपली भी कर सकते हैं जी। स्टार्टिंग एंडिंग विद डबल ए, स्टार्टिंग विद डबल ए एंडिंग विद डबल बी, उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन ये है वॉज स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद बी, या स्टार्टिंग विद बी एंडिंग विद ए, उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन ये है ये रेगुलर एक्सप्रेशन लेते हैं और यानी कि ये इसका मतलब इन्फिनिटी टाइम तक है, यानी कि वन भी हो सकता है टू थ्री, वन टाइम रीड भी कर सकते हैं इसे, टू टाइम रीड भी कर सकते हैं, ये लाजमी रहेंगे। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छा जी इसमें है कि जी ये तो आप मस्ट रीड करेंगे ये, ठीक है, इसको रीड करने इसको हम वन टाइम करते हैं, तो ये स्टैटिक है तो नल भी ले सकते हैं नहीं भी ले सकते, नल लेते हैं तो सिंपल इसी पे ब्रेक कर देंगे आप इस पर कि आपने इसमें से कुछ रीड नहीं किया। फिर इसके बाद दोबारा लेते हैं आप, कहते हैं डबल ए ये वाला और इसे रहते हैं, इसमें अगर आप टू पुट करें तो टू टाइम्स हो जाएगा, फिर एक दफ़ा ये एक दफ़ा ये, तो ये ए बी और बी बी ऐसा भी हो सकता है, ट्रिपल ए डबल बी भी हो सकता है, क्लियर है। तो इसका ये मतलब है कि ए प्लस बी इसका मतलब है कि अब ये समझें यहाँ n टाइम है, स्टेप वन भी हो सकता है टू भी थ्री भी, जैसे आपने देखा ये जीरो नल है वन टाइम टू टाइम, ये आपने देखा था ना पहले इसकी लैंग्वेज में। अब इसमें हम कहते हैं जी ए प्लस इसको कहता हूँ ये समझे स्टेरी जगह है टू, ठीक है स्टडी जगह टू, इसको क्या होगा जी ये टू टाइम्स का, अगर ये होता है स्टडी की जगह थ्री तो हो सकता है ना तीन दफा भी रीड कर सकते हैं तीन टाइम्स, तो ये क्या होगा थ्री टाइम। इसी तरह हम फोर टाइम रीड करते हैं फोर, ये कितना होगा फोर
फोर टाइम रीड्स होगा। अब ये क्या रीड करेगा, नल करेगा, सॉरी नल नहीं करेगा, ये या ए रीड करेगा या बी, या ए या बी, इसमें से भी एक दफ़ा, इसमें से भी एक दफ़ा। तो ये क्या होगा, ए ए यानी कि ए के इसका, या ये कर सकता है ए बी या बी बी या बी ए, तो इसमें से ये कुछ भी रीड कर सकता है। तो ये कम से कम ये इसके आउटपुट बनते हैं कि इसका बी कर लिया, इसका ए, इसका ए, इसका बी, तो ये इसके पॉसिबल आउटकम्स हैं। इस केस में इसका लाजमी है कि थ्री टाइम्स, वन ए इसका, वन इसका, वन इसका, बी हमने रीड नहीं किया, हमारे पास ऑप्शन थी और था, या ये हो सकता है ए बी बी, ए बी ए, ए ए बी 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 बी, बी ए बी। अब देखें कम से कम एट आउटकम आ सकते हैं इसमें, वन टाइम ए बी बी, ए ए ए, बी ए ए, बी ए नहीं है, एक और बनेगा इसका लाजमी, बी ए बी जी। ये इसके पॉसिबल आउटकम्स हैं, इसके अलावा नहीं बन सकते, यानी कि रिपीट नहीं होंगे। तो ये मतलब होता है आपके पास स्टेरिक का कि वन टाइम भी है तो ए बी होगा, टू टाइम है तो डबल दबा होगा, थ्री टाइम है तीन दफा, तो इसका ये मतलब है, यानी कि आप नहीं भी ले सकते, ए बी कर सकते। तो हैविंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद बी दिस, लाजमी होगा कि ज़ीरो भी हो सकता है, ज़ीरो का मतलब कुछ भी रीड नहीं किया, इसी तरह वर्ड बिगनिंग विद ए, बिगनिंग विद ए के लिए ये है कि आप ए से बिगनिंग करें, बिगनिंग एंडिंग विद सेम लेटर, ये सेम लेटर से स्टार्ट करें और एंड करें, ये उसके लिए है। अच्छा, इसमें एम्बिग्यूटी आती है, रेगुलर एक्सप्रेशन आप डिफरेंट बना सकते हैं लैंग्वेज का, लेकिन लॉजिक सेम हो, आप जब दूसरे तरीके से एक बार बार करने से जी आपने इसकी लैंग्वेज बनानी है कि जी वर्ड एंडिंग विद बी, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसकी लैंग्वेज बनाएं। आपका टास्क है ये अपने परफॉर्म करना है। आज का लेक्चर हमारा यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन होगा वो हम डिस्कशन में, जो हमारा जूम में होगा उसमें कवर कर लें।